गाइज आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज बहुत ही कमाल के कैमरास मैं लेके आ चुका हूँ। ये कैमरास को आरसी कार के ऊपर लगा के चला के दिखाने वाला हूँ। ये एक इंस्टेंट प्रिंट कैमरा है, यानी कि गाइज आप इसके अंदर जैसे ही फोटो खींचोगे इसके अंदर से आपकी फोटो भी निकल के आ सकती है, यानी कि ये फटाफट तरीके से आपके फोटो को प्रिंट करके दे देता है। ये बहुत ही सस्ते में मैंने खरीदा है, $40 में खरीदा है, तकरीबन 3,800 रुपीज का प्राइस होगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट ये कैमरा लग रहा है। आज ये कैमरा को मेरी कार के ऊपर लगा के मैं चला के भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक छोटा सा हैंडी कैम भी है, इसको भी हम लोग कार के ऊपर लगा के आज चला के देखने वाले हैं। और एक SJ कैम का कैमरा भी है मेरे पास, इसको भी आज लगाएंगे हमारी RC कार के ऊपर। तो मेरे पास है यहाँ पे TRX 4 स्पोर्ट्स, इसके ऊपर ये तीनों कैमरास को लगा के टेस्ट करने वाला हूँ कि मैं कौन से कैमरा की क्वालिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे USB चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है, 2.4 इंच की HD स्क्रीन दी गई है, सेल्फी वगैरह ले सकते हो। सेल्फी को लेने के बाद इंस्टेंटली आप वो फोटो को प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलो बॉक्स को फटाफट से यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या सच में ये कैमरा इंस्टेंट फोटो को प्रिंट कर पाएगा या फिर नहीं। मैंने इसको निकाल लिया है, इसके अंदर दो पोर्शन है, यहाँ पे इसकी यूजर गाइड दी गई है। तो मैं पहली बार इंस्टेंट प्रिंट कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको जरूर से पढ़ूंगा क्योंकि यार मेरे को पता नहीं इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स दिए गए। साथ में आप जो भी फोटो लेते हो उसको वहीं पे ही कलर भी कर सकते हो। ये 3-4 स्केचेस भी इसके साथ दिए गए हैं। ये इसका लैनार्ड है कैमरे को अटैच करने के लिए, ये इसका चार्जर है और ये इसके प्रिंटिंग रोल्स है, एक है दो तीन प्रिंटिंग रोल्स इसके साथ दिए जाते हैं। ये प्रिंटिंग रोल्स को हम लोगों को कैमरा के अंदर लगाना पड़ता है, तब जाकर इसके ऊपर हम लोग जो भी फोटो लेते हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके आती है। तो फिलहाल इसको रखता हूं मैं साइड में, अब निकालते हैं ये कैमरा को। निकाल लिया मैंने, ऊपर एक पन्नी है, पन्नी को हटा देते हैं। ओहो, बिल्ड क्वालिटी तो काफी ज्यादा सॉलिड है, थोड़ा बहुत एक आउल जैसा दिखाई दे रहा है। ऊपर लैनेट यहाँ से आप लगा सकते हो। अच्छा, तो इसके अंदर दो कैमरास दिए गए हैं, एक कैमरा इस तरफ है, दूसरा कैमरा इस तरफ है सेल्फी वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे 3-4 बटन है और यहाँ पे 4 बटन दिए गए। जैसे आप फोटो लोगे तो ये बटन को दबाने से ये ऑटोमेटिक प्रिंट भी करने लगता है। ऊपर एक स्क्रीन गार्ड भी है, ये स्क्रीन गार्ड मैं फिलहाल यहाँ से हटाने वाला हूँ, इसको हटा देते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, यहाँ से इसको डायरेक्ट चार्ज वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। तो अब इसको खोलते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोगों को ये रोल लगाना पड़ता है। रोल फटाफट से मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये रोल को इसके अंदर हम लोग रखेंगे इस तरीके से, फिर ये जो पेपर है इसको थोड़ा सा इतना बाहर लेकर ये जो ऊपर का कैप है इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से बंद भी हो जाएगा। तो अब ये प्रिंट करने के लिए रेडी हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा पेपर है हम लोग इसको यहाँ से फाड़ के हटा भी सकते हैं, जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, यहाँ से इसको कट करके हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं यहाँ से। कहाँ है इसका ऑन ऑफ स्विच, ये रहा, ये ऑन हो चुका है हमारा कैमरा। इसकी कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल की है, यहाँ से आप इसके सेटिंग्स में जा सकते हो। एक काम करते हैं यार, पहले देखते हैं इसके अंदर कौन सी गेम्स दी गई। तो ये एक स्नेक की गेम दी गई है, दूसरी है पुश बॉक्स गेम है, टेट्रिस गेम दी गई है। अच्छा, तो टोटल इसके अंदर 3-3 गेम्स आपको खेलने को मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले स्नेक गेम मैं खेल के देख लेता हूँ यार, क्या सच में ये गेम काम भी करती है या फिर नहीं। ये मैंने ओके को प्रेस कर दिया है। अच्छा, स्टार्ट है, स्टार्ट को प्रेस करके देखते हैं। अरे भाई साहब, ये गेम तो सच में चल रही है यार इसके अंदर। ओ माय गॉड, भाई ये कैमरा है या फिर वीडियो गेम है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है इसका। अब इसके मेन्यू में बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि यहाँ से आप इसके कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो। एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, ये इसका कैमरा देखो ऑन हो चुका है। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है भाई साहब, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी तरीके से इसके अंदर से सभी चीजें दिखाई देगी। बैक कर लेते हैं, अब ये है वीडियो रिकॉर्डर, इसके अंदर एंटर होते हैं, ये मैं एंटर हो चुका हूँ। यहाँ से आप इसके अंदर वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p फुल HD में मैं इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। सेटिंग्स इसकी बहुत ज्यादा मेन है यार, ये सेटिंग्स के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप प्रिंट क्वालिटी एकदम नॉर्मल है, अगर मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ तो यहाँ से आप इसको हाई क्वालिटी में भी प्रिंट कर सकते हो, फोटोज को नॉर्मल, लो, डॉट मैट्रिक्स में भी प्रिंट कर सकते हो। अब एक इंस्टेंट फोटो को मैं आपको प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल आपको दिखाऊंगा मैं।
फिर इसको इंडोर में भी टेस्ट करेंगे और आउटडोर में भी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। मेरे पास एक TRX डिफेंडर मिनी है तो इसकी फोटो खींच के प्रिंट करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे कैमरा के अंदर चलते हैं, ये ओके मैंने प्रेस कर दिया है। अब देखो इसकी फोटो खींचते हैं, देखते हैं कितने फटाफट तरीके से ये फोटो को प्रिंट करता है। ये देखो गाइस फोटो मैंने खींच दिया है। अब यहाँ पे देखना एक काउंटडाउन दिखाई देगा, काउंटडाउन दिख रहा है 1। ओके अब ये प्रिंट करना चालू कर चुका है, यहाँ पे आ रहा है कि प्रिंटिंग प्लीज वेट बोल के। इस तरफ देखो गाइस यहाँ से निकलने लगी है अब एक प्रिंट, यहाँ से मैंने जो फोटो खींची है वो फोटो आपको नजर आ जाएगी। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करता है यार, अगर आप यही कैमरा कलर में लोगे ना तो बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट भी देखो यार कितनी फटाफट तरीके से प्रिंट कर चुका है। ओ माय गॉड, इस तरीके से आप ये फोटो को निकाल भी सकते हो। तो इंडोर में क्वालिटी ठीक ठाक है, तो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल फोटोज भी ले सकते हैं। अब देखो यार यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये फॉर्मेट में मैं भी एक फोटो लेके आपको दिखाने वाला हूँ। अब फोटो यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगी फटाफट तरीके से, ये फोटो आ रही है। अब देखोगे जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मेट सेलेक्ट किए थे, हर एक फॉर्मेट में यहाँ पे फोटो आ रही है। इस बार देखो यार क्वालिटी बहुत अच्छी है फोटो की, ओए कितनी ढेर सारी फोटोज आ रही है यार यहाँ से। ये देखो गाइस भाई तगड़ी चीज है यार ये तो। इसको मैं आउटडोर में भी अभी टेस्ट करके आपको बताने वाला, देखते हैं गाइस कितनी अच्छी क्वालिटी आती है अब प्रिंट की। फोटो मैंने खींच दी है, अब देखो यहाँ से प्रिंट आएगा, प्रिंट आना स्टार्ट कर चुका है गाइस। ओह माय गॉड कितना फटाफट तरीके से प्रिंट कर रहा है यार। ये जो कैमरा है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही इस तरीके के फोटोज को जो है वो प्रिंट कर सकता है। क्वालिटी देखकर सच में यार मैं खुद हैरान हो चुका हूँ। गाइस अब इसका वीडियो फुटेज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इसको चिपकाएंगे TRX 4 स्पोर्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं कैमरा को चिपकाने वाला हूँ, ये माउंट यहाँ पे लिया गया है। अब इसको चलाते हैं गाइस, देखते हैं किस तरीके की क्वालिटी आती है। राइट साइड कॉर्नर में इसकी वीडियो फुटेज को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्वालिटी ठीक ठाक मेरे को लग रही है। जब हम इसके अंदर वीडियो लेते हैं तो वो कलर में ही रिकॉर्ड करता है, जब हम फोटोज वगैरह लेते हैं तो वो भी कलर में ही लेता है, पर जब हम इसको प्रिंट करते हैं ना तब ये ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके देने लगता है। ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को डिसेंट लगी। ये दो कैमरास भी बहुत ज्यादा सस्ते में मैंने खरीदा है, ये सभी कैमरास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो। ये आ जाता है SJCAM की तरफ से, इसके अंदर भी आप मेन फीचर्स वगैरह देख सकते हो, वीडियो वगैरह भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ में फोटोज वगैरह भी ले सकते हो, पर फोटोज को प्रिंट नहीं कर सकते हो गाइस। इसके अंदर जो फोटोज है वो आप चाहे तो आपके PC में या फिर आपके मोबाइल में ट्रांसफर करके देख भी सकते हो। ये इसके कुछ लैनर्ड है और ये केबल भी दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए, ये भी कम्प्लीटली रिचार्जेबल है। यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ, ओह माय गॉड कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। बिल्ड क्वालिटी सच में इसकी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, हमारे इंस्टेंट प्रिंट कैमरा से भी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच, इसको प्रेस कर दिया मैंने और ये SJCAM कैमरा ऑन हो चुका है। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को डल लग रही है यार, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको एक बार मैं RC कार के ऊपर लगा के उसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूं। तो अब मैंने इसके ऊपर SJCAM का कैमरा लगा दिया है, अब इसको चलाते हैं जिसकी क्वालिटी कैसी आती है वीडियो की। SJCAM की वीडियो क्वालिटी इतनी मस्त आई है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर ये थोड़ा सा कलर को ओवर सैचुरेट करके दिखा रहा है। यहाँ पे ये येलो कलर देखो कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, बाकी कैमरा बहुत परफेक्टली काम कर रहा है यार। इंस्टेंट प्रिंट कैमरा से तो इसकी वीडियो क्वालिटी मेरे को 100 गुना ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा सा महंगा है। अभी मेरे पास एक हैंडी कैम भी है, इसको शायद मैंने 1500 रुपीज में खरीदा था, लिंक मैंने इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो देख सकते हो। इसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन मेरे को लग रहा है, ऊपर भी रबर का टेक्सचर दिया गया है ताकि आपके हाथ में से फिसले वगैरह नहीं। यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन है, यहाँ पे इसका लेंस है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, ये इसका LCD पैनल दिया गया है, यहाँ से आप SD कार्ड वगैरह लगा सकते हो। इसको भी एक बार ऑन करके देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैंने प्रेस कर दिया है और ये ऑन हो चुका है। मेरे को लगा कि उतनी खास नहीं होगी, पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी स्क्रीन क्वालिटी इसके अंदर भी दी गई है। इसके अंदर भी गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो, यहाँ पे गेम्स का ऑप्शन दिया गया है, सेटिंग्स वगैरह भी है। पहले इसके कैमरे को ऑन करते हैं, देखते हैं कैमरे की क्वालिटी कैसी है। ओके तो कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक मेरे को लग रही है, पर बीच में थोड़ा सा लैग आता हुआ मेरे को लग रहा है। तो आउटडोर में जाके एक बार वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, साथ में इसको RC कार के ऊपर फिट करके वीडियो भी देखेंगे इस किस तरीके की फुटेज हम लोगों को देखने को मिलती है। तो अब ये कार के ऊपर मैंने ये कैमकॉर्डर को चिपका दिया है, अब देखते हैं गाइस इसकी क्वालिटी और इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी दिखती है। कार आ रही है इन पत्थरों के ऊपर, देखते हैं गाइस ये किस तरीके से चढ़ती है। वो
अरे बाप रे, यहाँ पे थोड़ा सा फंस गई थी मैं, रिवर्स लेके चला देता हूँ इसको। वो गिरते गिरते रह गई यार। अब देखो यार, इसकी वीडियो की क्वालिटी भी मेरे को उतनी खास लगी नहीं। यहाँ पे मैं इसके अंदर फुल एचडी में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को डल लग रही है। बाकी गाइस, तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये तीनों कैमरास में से किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा बेटर लगी। मैं आपको बताऊं तो गाइस, मेरे को ये इंस्टेंट प्रिंट कैमरा की फोटो अच्छी लगी और ये फटाफट तरीके से फोटोज को प्रिंट करके भी दे रहा था, और वीडियो क्वालिटी इसकी थोड़ी सी डिसेंट लगी। बाकी वीडियो क्वालिटी जो है ये एसजे कैम की बहुत ज्यादा परफेक्ट है। आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है अनुज, नीरव, साहिल, संजय, साबुज, धनुंजय, सुनील, मनोज, महेंद्र, मनीषा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।